सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो मैं फिर से आज इस ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने बहुत देर के बाद, जैसे कि मेरे पास कुछ टाइम नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए। सो आज मैं इस ब्लॉग क्या होने वाला है, सो इस वीडियो में अभी अभी तो आप लोग जानते ही है जो अभी माँ दुर्गा माँ की अभी जो ये चल रहा है गाइस। सो अभी हमारा गांव में एक छोटा सा जो अभी जो पूजा कर रहा है गाइस, एक्चुअली हमारा गांव में अभी हो रहा है, एक्चुअली वहां पे जा रहा है गाइस। मैं वहां जाके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मैं भी आप दर्शन करने जा रहा हूं। सो आज इस ब्लॉग में आप लोगों को एंड तक देखना है, क्योंकि आज इस ब्लॉग में बहुत मज़ेदार होने वाला है, कि माँ दुर्गा माँ की दर्शन भी करेंगे और आप लोगों को इंटरटेनमेंट भी करेंगे। इस चैनल में मेरा बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं आज सोचा मैं आज एक ब्लॉग भी बना बना के डाल दूँ यूट्यूब पर। सो क्योंकि गाइस अभी जो सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी जो अभी दशहरा चल रहा है, जो सप्तमी गया अष्टमी गया, आज नवमी का दिन है गाइस। आज नवमी का दिन में गाइस वहाँ पे जो मंडप पे क्या क्या देखने को मिलते हैं और ऐसा क्या खास है गाइस आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और गाइस मैं अभी जा नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया, अभी कुछ खाया तक नहीं हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर, और मंदिर मैंने सोचा आप आज दर्शन भी कर लूँ। सो आज आप लोगों को भी दर्शन कराऊँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो फुलवारी में एक्चुअली छोटा सा एक पूजा रखा हुआ है, कि क्योंकि गाइस दूसरा साल जो कोविड का अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है गाइस, एक्चुअली हमारा जो अगले साल जो जैसे भी छोटा सा एक पूजा हो गया था, नहीं तो बड़ा यहाँ प्रोग्राम होने के लिए गाइस बहुत जो आगे का साल जो दूसरा साल गाइस बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो गया था, क्योंकि आज इस कोविड का वजह से यहाँ पे प्रोग्राम की जैसे कि जैसे सरकार की SOP की वजह से गाइस यहाँ पे थोड़ा छोटा सा पूजा करना पड़ा। एक्चुअली अभी जो हमारा गांव में एक्चुअली नवरात्रि किया, जो कि 9 दिन का तक पूजा करके जो हमारा जो दुर्गा माँ को जैसे कि हमने दर्शन किया गाइस, हमने पूजा पाठ किया। सो अभी गाइस आज नवमी का दिन है और कल तो विजय दशमी दशमी के दिन है गाइस। हमारा जो नेपाली संप्रदाय में होता है, हम लोग विजय दशमी के दिन जो यहाँ पे टीका लगाते हैं, टीका क्या बोलते हैं उसमें मेरे का पता नहीं, एक्चुअली हमारा जो नेपाली संप्रदाय में तो टीका लगाता है गाइस। सो गाइस देखते हैं आज इस ब्लॉग पे आप लोगों को आज छोटा सा ये शॉर्ट ब्लॉग होने वाला है, इस ब्लॉग पर आप लोग देखते रहिए। और वीडियो पर आप लोग अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें ऐसे आप लोगों को ट्रैवलिंग ब्लॉग हो या कुछ अन्य कुछ मैं इस वीडियो पर आप लोगों को इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक्चुअली गाइस गाँव में अभी जो यह धान का खेती है गाइस, एक्चुअली हमारा जो सीजन में लगाता है ये धान खेती, एक्चुअली ये अभी पक चुका है, इसको अभी उठाने का टाइम आ गया है। अभी इसको जो ये दशहरे का बाद, ठीक है, दशहरे का बाद इसको जो इसका काम हो जाएगा, उठाने का टाइम हो जाएगा, ये धान कटने का टाइम हो जाएगा, उसके बाद धान अभी से देखिए पूरा पक चुका है गाइस। क्यों गाइस हमारा गांव में रोज़ प्रोग्राम होता था, एक्चुअली कोविड की वजह से अभी हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए, जैसे कि सरकार की जैसे कि अथॉरिटी जैसे दिया है, SOP जैसे दिया है, हम लोगों ने वैसे ही पालन किया है गाइस। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ गाइस मंडप पे, और तो गाइस ये हमारा स्कूल है गाइस, ये पानी टेंकी अभी जो हाल ही में नया बनाया है गाइस, हो रहा है इसका काम। उसके बाद गाइस ये हमारा स्कूल का प्लेग्राउंड है, यही प्ले ग्राउंड पे गाइस हमारा जो नेपाली संप्रदाय में बनाते हैं एक झूल, ठीक है, और झूल बनाते हैं गाइस, इस झूल में देखिए गाइस झूल, ये गाइस हमारा झूल है। सो गाइस गांव का पूजा यही है, और एक डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है, एक्चुअली देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। एक्चुअली अभी जो पूजा हो रहा है यहाँ पे, जो पूजा होके गाइस आप लोग देख सकते हैं, तो
हरे कृष्ण सर्वदा श्रीमन महादेव गणादेव पतये नमः। अब सब पहले कथा कथा मन के भन्नु के भ